ये देखो ये मेरे स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो मैं हैंगिंग बास्केट में लगाई हूँ और इसमें कितने अच्छे से फल आ रहे हैं, देख रहे आप। इस पर मल्चिंग भी की हुई है, पॉलीथीन लगाई ताकि फल ख़राब ना हो। ये देखो ये फल ज़्यादा रोस्ट मतलब ज़्यादा पक चुका अभी इसमें। ये देखो ये वाला जो फल है ये पक के ख़राब होने लगा, अभी इसमें बीज आ रही है। ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहे हैं ये सब बीज हैं, ये नेक्स्ट सीजन के काम आएंगे। अब इस फल को मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और देखो इसमें पक चुके हैं ये रेड रेड, इसको मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखो कैसे सूख गए हैं, ये दिख रहा है, ये सब बीज के काम आएंगे। ये इसमें पूरे बीज अलग से दिख रहे हैं ये। और ये सब मैं एक ही प्लांट दो जो सबसे शुरू में एक वीडियो डाली जिसमें तीन में स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाई थी, और ये सब उसी के बेबी प्लांट निकलते गए जिसको मैं अलग करते गए और उसमें सब ढेर। अब ये लास्ट फल आ रहे हैं इस वजह से इसकी साइज़ छोटी हो चुकी है, ये तो अच्छे बड़े बड़े साइज़ के देखो इसमें भी लगाई हूँ। ये पक चुके हैं ठीक है, बहुत सारे ढेरों फल निकल रहे हैं। मेरी लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद है ये फल। ये देखो मैं उसके लिए तोड़ लेती हूँ इतने सारे, बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा ये पुराना हो गया पौधा, अब इसके फल देने की शक्ति ख़त्म होने को आ गई है, पौधा ही सूखने वाला है इसलिए इसके फल छोटे होने लगे हैं। देखो ये कल पक जाएंगे, ये कल अच्छे से रेड, और अभी कच्चे में तोड़ने से बहुत खट्टे लगते हैं। ये बहुत सारी जगहों में इसके प्लांट लगाए हैं और भी दिखाती हूँ, सब में फल आ गए हैं। ये भी है, इसमें भी है, ये इसमें कुटिंग आई हुई है, देखो ये इसमें भी, ये भी पक गया है, ये भी तोड़ लेते हैं चलो। ये इसमें भी है और भी है, दिखाती हूँ देखो ये भी है, इसमें भी बहुत फल लगे हुए हैं दिख रहे इस सब, और इसमें फूल भी आ रहे हैं अभी भी, ये कल पक जाएंगे तो आज पक चुके हैं। और दिखा रही हूँ आपको, ये देखो कितने सारे फल, ये पड़ोस के यहाँ के चूजे आ जा रहे हैं और वो भी खा रहे हैं। देखो ये मल्चिंग नहीं करने के कारण सड़ने लगे हैं, देखो कितने सुंदर फल है। मैंने आप भी अपने घर में लगा के स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। वैसे तो नर्सरी में नवंबर में इसका लगाने का टाइम है, अब नवंबर में नर्सरी से पौधे ला के लगाइए। ये मैं बहुत पहले लगाई हुई थी इसलिए इतने ज़्यादा पौधे आ गए, देखो मल्चिंग ना होने के कारण सड़ने लगे हैं फल, जो ज़मीन से टच हो जा रहे हैं मिट्टी के संपर्क में आ रहे हैं वो सड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉबेरीज लगा सकते हैं। देखो ये कच्चे हैं, इनको मैं थोड़े ऊपर कर देती हूँ। सबसे पहला प्लांट मैं इसी कंटेनर में लगाई थी तो ये फैल के इतने ज़्यादा हो गए हैं, ये देखो। ये इसी तरीके से ये मैं अपने फल हार्वेस्ट कर लिया आज। एक मेरा छोटा सा बैंगन का पौधा देखो कितने अच्छे से फूल आया है उसमें, छोटा सा है ज़्यादा बड़ा नहीं है। बहुत सारी जगहों में मैंने स्ट्रॉबेरी लगा के रखी है, हुआ क्या था तीन प्लांट लगाई थी तो इतने बेबी प्लांट निकलते गए तो मैं सब में लगा दी। ये देखो सब जितने कंटेनर मेरे पास खाली थे सब में, और सब में फल आने लगे। देखो देखो इतने सारे फूल, एक चनिया इतने सारे फूल, ये देखो। और ये मेरा धतूरा का फूल, देखो पूरे बारह महीने फूलते हैं और इसमें ऐसे ही फूल रहते हैं, इसी तरीके से रेड वाले धतूरे। ये देखो डहलिया ख़त्म होने को आ गया, डहलिया ये पिटूनिया इतने अच्छे से फूला हुआ, देखो पूरे फूलों से फूला हुआ है। इस तरीके से आप अपने भी घर में छोटा सा गार्डन बना सकते हैं।